और अब वक्त है भारतीय सरकारी कंपनियों पर आई एक दिलचस्प रिपोर्ट के बारे में जानने का, यानी कि पीएसयूज पर मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज की तरफ से एक अच्छी रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा गया है, आइए जानते हैं। नूपुर हमारे साथ है इस वक्त बताने के लिए। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, हाईलाइट तो वैसे सबको पता ही है, लेकिन मोतीलाल ने कुछ स्पेशल पॉइंट्स यहाँ पे निकाल के बताया। उनका कहना है कि पिछले 10 साल में जितना इंडेक्स नहीं चल मतलब इंडेक्स ने सिर्फ 11% का रिटर्न दिया था पीएसयू इंडेक्स ने, वहीं निफ्टी ने 14% का रिटर्न दिया था। और अभी FY25 में सिर्फ 2 महीने हुए, वहीं पीएसयू इंडेक्स करीबन 14% का रिटर्न दे चुके हैं, 18% का, और निफ्टी वहाँ पे पीछे आपको दिखेगा सिर्फ 12% का रिटर्न यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। तो 10 साल का जो खराब प्रदर्शन हमने देखा था वो अब सिर्फ 2 महीने में आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिखी। 10 साल में ऑन एन एवरेज पीएसयू 11% रिटर्न, हाँ, और निफ्टी ऑन एन एवरेज निफ्टी 14%, हाँ ठीक है। ये कब तक था, पिछले साल तक FY24 से 14 से 24 तक। अब इस साल क्या हुआ, अभी 2 ही महीने हुए FY25 के, वहीं पे पीएसयू इंडेक्स 18% ऊपर है और निफ्टी सिर्फ 5.5% ऊपर है। ओहो, 18 और 5.5 मतलब 12-13% की आउट परफॉर्मेंस है। और वैल्यूएशन ऑब्वियसली सर थोड़े बढ़ेंगे क्योंकि भागे हैं, तो 8.5% के पे ट्रेड करता था पहले, अब करीबन 12-13 times के यहाँ पे ट्रेड करते हुए आपको बीएससी पीएसयू इंडेक्स भी दिखेगा। काफ़ी सारे रीजन से, लेकिन दो बड़े जो डेटा पॉइंट यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं वो यही है कि मजबूत कारोबार है, ऑर्डर बुक इनकी लगातार बढ़ती हुई दिखी है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी री रेटिंग आती हुई नजर आ रही है। इन शेयरों में जोरदार तेजी तो देखी, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में अभी भी वैल्यूएशन यहाँ पे सस्ते नजर आ रहे हैं। डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों इंस्टीट्यूशनल की तरफ से जो बाइंग है वो यहाँ पे इतनी नहीं हुई है, इतनी रैली आने के बाद अभी भी जो फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है उन्होंने अपना एक्सपोजर नहीं बढ़ाया है इस सेक्टर में। पीएसयू और प्राइवेट दोनों को अगर कंपेयर करें अर्निंग्स ग्रोथ के लिहाज से, तो पिछले 5 साल में पीएसयू की आय सालाना दर पर देखें तो 34% से बढ़कर आती हुई दिखी है, वहीं पर प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ सिर्फ 19% रही है पिछले 5 साल में। प्रॉफिट पुल में भी पीएसयू का हिस्सा बढ़ चुका है, 36% यहाँ पे पहुंच गया है, जो पिछले 5 साल में सिर्फ 17-20% के आसपास रहा था। पीएसयू में जो ग्रोथ है वो पिछले साल 45% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ थी कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर, और लगातार 5 साल से जितने भी लॉस मेकिंग पीएसयूज थे उसका भी पूल प्रॉफिट पूल में अब कम होते हुए दिख रहा है, सिर्फ 1% ऐसे रह गए जो लॉस मेकिंग है। आरओई देखें तो लगातार यहाँ पे सुधार होते हुए दिखा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 5% से सुधर के सीधा 18% पहुंच गई है। अब यहाँ से मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का मानना है कि आगे जो ग्रोथ होगी वो काफ़ी स्ट्रांग होगी। उसके 2-3 रीज़न है, पहला जो कमोडिटी बढ़ती कमोडिटी के भाव है उसकी वजह से मेटल और जो ऑयल एंड गैस पीएसयूज है उनकी बैलेंस शीट अब सुधरती हुई नजर आ रही है, उससे बेनिफिट इनको मिलते हुए दिखेगा। जो मुनाफा है पीएसयूज का वो आगे यहाँ से बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। जो ड्राइवर होगा इन सब का वो पीएसयू बैंक्स रहने वाले, मेक इन इंडिया से डिफेंस और इंडस्ट्रियल्स को भी ग्रोथ आती हुई दिखेगी, और कंपनी की जो ग्रोथ है रेवेन्यू और मार्केट कैप की वो तेजी से बढ़ती हुई नजर आएगी। उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है SBI, कोल इंडिया, गेल, HPCL और बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑलराइट, तो ये हैं कुछ पीएसयूज जो इनके रेडार पर हैं। वैसे भी हम देख रहे हैं पीएसयूज में तो जबरदस्त एक्शन बना ही हुआ है, और कल की गिरावट के बाद आज ज्यादातर पीएसयू संभल भी गए। इनफैक्ट जैन साहब, आपके ओपनिंग कमेंट में इसी से बात चल रही थी, अभी भी इन्हें वैल्यू दिख रही है और कई सारी पीएसयूज पर कह रहे हैं कि यहां से भी एक अच्छी अपसाइड की पोटेंशियल बनती है। जैन साहब, जी जी सर, बहुत सही कह रहे हैं। इनफैक्ट पीएसयूज से मेरा, मैं नाता बताता हूं, मेरी रिसर्च पहली बार जो मैंने इंटर्नशिप की थी वो मैंने पीएसयूज के ऊपर ही प्रोजेक्ट किया था, एंड दैट वाज 1997 अंडर रमेश दमानी जी। तो मुझे हमेशा पीएसयूज को लेकर मेरी रिसर्च बहुत वो रहती थी, और तब 238 पीएसयूज हुआ करते थे, और मैं जब सारी बैलेंस शीट उस टाइम पे एनालाइज किया ड्यूरिंग एमबीए, तो तब बहुत हल्की बहुत छोटी बैलेंस शीट्स और काफी लॉस मेकिंग होती थी ये पीएसयूज। और अब देखते देखते सरकार ने ऐसा वीड आउट किया जो हल्की पीएसयू थी, फिर इतना सारे मेजर्स लिए, और अब जो पीएसयू हमें दिखती है महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, ये सारे स्टेटसेस और जो बेसिकली ऑटोनोमी देते हैं, इन सब का जबरदस्त एफिशिएंसी लेवल्स बढ़ी है। और मैं एक चीज और कहूं, यहाँ पे जब काम होता है पीएसयू में वो सरकारी, कई बार हम सरकारी को एक वो गलत वर्ड की तरह बोलते हैं सरकारी है, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत सिस्टमेटिकली काम हो रहे हैं। आजकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी बोल लीजिए या फिर गवर्नमेंट कंपनीज भी बोल लीजिए,
PSUs बोल लीजिए, तो उनको एक अननेसेसरली एक सस्ता पी मल्टीपल दिया जाता था बिकॉज ऑफ PSU नेचर की वजह से। बट अब आज हम देखते हैं कि यहाँ पे भी प्रोफेशनलिज्म उतनी जबरदस्त है, यहाँ पे भी टॉप मैनेजमेंट उतना ही जबरदस्त होता है, और प्लस पहले जो जो बुटीक PMSs हो और या कुछ PMSs हो वो लोग कम इन स्टॉक्स को लेते थे, बट अब वो सारी चीजें खत्म हो रही है। AIFs, PMSs, सब लोग, इवन जो अल्ट्रा HNIs के आजकल फैमिली ऑफिसेस और ये सब लोग अब PSUs को बहुत सीरियसली लेने लगे हैं। 15 साल की बहुत बड़ी लल के बाद वापस से PSUs चले हैं, 2008 के बाद हमने देखी नहीं थी ऐसी तेजी, और अब भी ऐसा लगता है कुछ विशेष हुआ नहीं है। जो ये रिपोर्ट में मैं बहुत ज्यादा सहमत हूँ कई चीजों से, PSU बैंक्स बहुत बढ़िया करेंगे, सिस्टम्स बहुत बेटर हुए हैं, एसेट क्वालिटीज बेटर हुई है, फिर PSU जो मेक इन इंडिया, ये सारी चीजों की वजह से बेनिफिट दिखेगा। तो मुझे लगता है कि PSUs में बने रहना चाहिए और अभी भी बहुत स्कोप है। तो ये है आपके लिए PSUs, जहां पर रखिए नजर। PSU में कई सारे स्टॉक्स हैं जहां आज भी आपको एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है।